पुत्र राम प्रथम दिग्विजय यात्रा पूर्ण होने को है। प्रातः लक्ष्मण, भरत, यज्ञ पूर्ण आहुति एवं हनुमान सहित सेना के स्वागत के समस्त प्रबंध शीघ्र कीजिए। स्वामी, हनुमान एवं उनके साथ अन्य योद्धाओं और सेना ने राम काज को पूर्ण करने का संकल्प पूर्ण कर ही लिया। हाँ देवेश्वरी, प्रभु श्री राम के इस प्रथम अश्वमेध यज्ञ में हनुमान के पराक्रम के कारण सभी प्रमुख भूपतियों ने तो श्री राम की अधीनता स्वीकार की। उनके साथ दिव्य शक्तियों में भी प्रभु श्री राम की प्रभुता स्थापित हुई। अर्थात स्वामी, यज्ञ की पूर्ण आहुति के साथ राम राज्य की स्थापना के पश्चात मुझे आशा है कि अब राम राज्य की शांति को भंग करने वाला कोई और शेष नहीं होगा। जब तक निकुंभ जीवित है, राक्षसी सोच कभी अपनी पराजय स्वीकार नहीं करेगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी सबको लेकर आ गए भैया। प्रभु श्री राम की जय। 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 प्रभु, हम सबके स्वप्नों का राज्य, धर्म और मर्यादा का राज्य राम राज्य स्थापित हो गया। श्री राम राज्य की, श्री राम चंद्र की, श्री राम राज्य की। महाराज राम, आज से आप चक्रवर्ती सम्राट हुए। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। मैं अयोध्या नरेश राम धन्यवाद करता हूं उन सभी माननीय राजाओं का जिन्होंने अधीनता स्वीकार की, किंतु मैं उन्हें यह स्पष्ट करना चाहता कि अधीनता का अर्थ पराधीन होना ना समझे, अपितु स्वयं को धर्म के अधीन समझे। इस अश्वमेघ यज्ञ का उद्देश्य अधर्म की पराधीनता को समाप्त करके धर्म के राज्य की स्थापना करना है। अतः आप सब धर्म का पालन करते हुए अपना राज्य अपनी इच्छा अनुसार चलाने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र हैं। श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। मैं अपने अनुज शत्रुघ्न का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस अभियान का नेतृत्व बड़े विवेक और वीरता के साथ संभाला एवं अपने दायित्व का भली भांति निर्वहन किया। भैया, मैंने जो कुछ भी किया है आपके प्रताप से ही किया है। मैं कुमार पुष्कल का भी धन्यवाद करता। संपूर्ण यात्रा में
अनेकों बाधाएं आई, किंतु कुमार पुष्कल ने बड़ी वीरता और अधिकता के साथ उसका सामना किया एवं अपने सहयोगियों की सहायता से उन बाधाओं पर विजय प्राप्त की। और मैं अपनी सेना के उन वीर सेनानियों का भी आभारी हूं जिन्होंने पग पग पर आने वाली कठिनाइयों को सहते हुए धूप, वर्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं एवं आसुरी विपत्तियों का सामना करते हुए भी इस अभियान को पूर्ण किया। अब उनके बारे में क्या कहूं जिनके कार्यों की व्याख्या करने के लिए वर्णमाला में अक्षर भी कम पड़ जाए, जो मेरे अभिन्न सखा, अनुपम सेवक एवं श्रेष्ठतम भक्त है। उनके बिना तो राम काज कभी पूर्ण ही नहीं हो सकता। सत्य कहूं तो उनके बिना मैं भी पूर्ण नहीं हो सकता। राम बिना हनुमान अधूरे, हनुमान बिना श्री राम। मेरे परम प्रिय मित्र केसरी नंदन आंजनेय हनुमान, आंजनेय भक्त श्रोमणि हनुमान की, राम दूत हनुमान की, संकट मोचन महाबली हनुमान की। प्रभु, इस तुच्छ सेवक का इतना मान। प्रभु, सत्य तो ये है कि हनुमान की संपूर्ण शक्ति आप ही की भक्ति है। हनुमान का बल है आपका राम नाम, हनुमान के प्राण है आपका श्री विग्रह, जिसका मेरे हृदय में वास है, जिसने बड़ी से बड़ी आपदाओं का सामना करके भी मेरे प्राणों की रक्षा की। प्रभु, राम से ही तो हनुमान है। जहां राम नाम नहीं वहां हनुमान भी नहीं। ये क्या हो रहा है? जैसे जैसे धरती डगमगा रही है। अकस्मात ये भूकंपन, अकस्माती यहाँ ये भूचाल क्यों आने लगा? हमने पूर्ण पवित्रता और विधि विधान से चक्रवर्ती सम्राट का राज तिलक किया है, फिर ये प्राकृतिक आपदा कैसे आने लगी? गुरुदेव वशिष्ठ, मुझे तो ये प्राकृतिक आपदा नहीं कुछ और ही प्रतीत हो रही है। मैं अभी बाहर जाकर देखता हूं कि इस भूकंपन का केंद्र कहां है और वहां क्या हो रहा है। जय श्री राम। प्रतीत हो रहा है यही है भूकंपन का केंद्र। कुछ तो बड़ी हलचल हो रही है धरती के भीतर। क्या हुआ हनुमान जी, क्या है यहाँ? कहीं कोई आसुर शक्ति तो नहीं जो पाताल लोक से यहाँ चली आई? कुछ तो है लक्ष्मण भैया जो बाहर आने को आतुर है। विभीषण जी,
विभीषण जी, आपको इस प्रकार यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? हे संकटमोचन, हे महाबली, मुझे शीघ्र प्रभु श्री राम के पास ले चलिए। विभीषण जी, प्रभु श्री राम ने आपको भ्राता समान ही माना है। आप प्रभु के श्रेष्ठ भक्त भी हैं, फिर आपको प्रभु से कैसा संकोच? विभीषण जी, आपकी जो भी दुविधा है शेष उठाकर निसंकोच कहिए। जो राजा अपनी प्रजा को संकट में छोड़कर चला आया हो, उसका शीश कैसे उठ सकता है? अर्थात लंका पर कोई संकट आया है विभीषण जी? हाँ प्रभु, लंका अब आपके अधीन नहीं रही। अब वहां धर्म का नहीं, पाप का पुनः राज्य शुरू हो गया है। ये कैसे हुआ? क्या हुआ, स्पष्ट बताइए विभीषण जी। प्रभु, कुंभकर्ण के पुत्र निकुंभ ने राज्य हथिया लिया है और मुझे निकुंभ ने हाँ हनुमान और मुझे कायरों की भांति वहां से पलायन करके यहाँ। परिस्थिति को भांप कर यदि कोई राजा दूसरे राजा से सहायता मांगता है तो उसे कायर नहीं बुद्धिमान कहते हैं। कम सामर्थ्य होकर भी वहीं रहकर सामना करने वाला मूर्ख तो होता ही है, और उसकी मूर्खता के कारण वो अपने और अपनी प्रजा दोनों के प्राण संकट में डाल लेता है। किंतु निकुंभ यह कैसे कर सकता है? उसे तो हनुमान जी ने युद्ध में मार दिया था और अंतरिक्ष की अतल गहराइयों में फेंक दिया था। निकुंभ को वरदान प्राप्त है कि वो किसी भी प्रकार मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक उसका शीश उसके धड़ से विलग ना हो जाए तब तक वो बार बार अधिशक्तिशाली बनकर सामने आएगा। उसकी माता ने भी उसकी सहायता की। उसकी माता अर्थात कुंभकर्ण की पत्नी? हाँ हनुमान, अपनी माता के उकसाने पर वो सीधे लंका चला आया। उसकी माता भी उसके साथ थी। भाभी श्री, क्या हुआ? इस राज सिंहासन के वास्तविक अधिकारी महाबली निकुंभ को देखकर भयभीत हो गए। द्रोही काका विभीषण, निकुंभ, तुम्हारा यह दुस्साहस, सैनिकों बंदी बना लो इसे। निकुंभ के पास सबकी सोच को परिवर्तित करने की विलक्षण मायावी शक्ति है। वो इसी शक्ति से संसार में राक्षसी सोच का विस्तार करना चाहता है। महाराज सुमध के राज में तो उसने अपनी इस शक्ति से सबको ही निद्रा मग्न कर दिया था। मैं भी शीघ्र ही समझ गया था कि उसने अपनी माया से सबकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। अतः मैंने शीघ्र ही अपनी तलवार निकाली, किंतु उसने अपनी मायावी शक्ति से मुझे निहत्था कर दिया और बार बार मायावी शक्ति का प्रहार किया। देखा माता, ये मुकुट भी जानता है कि कौन है इसे धारण करने योग्य।
इसलिए ये स्वयं ही मेरे पास चला आया। पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो। लंका के सबसे बलवान महाबली कुंभकर्ण के पुत्र हो तुम निकुंभ, इसलिए यहाँ के राजा बनने योग्य मात्र तुम ही हो। विभीषण जैसा कुलघाती नहीं। निकुंभ विभीषण गुप्त मार्ग से भाग निकला है, यदि वो पुनः राम से जा मिला तो अनर्थ हो जाएगा। मैं तो आपकी शरण में सुरक्षित हूँ प्रभु, किंतु लंका में निकुंभ न जाने क्या क्या मेरे परिवार और प्रजा पर अत्याचार करेगा। निकुंभ से उनकी रक्षा कीजिए प्रभु, महापापी है निकुंभ। विभीषण जी, प्रभु श्री राम की शरण में आने वाले का सदैव ही कल्याण होता है, प्रभु उस पापी को दंड अवश्य ही देंगे। आप चिंता ना करें विभीषण जी, मैं स्वयं अपने भ्राताओं के साथ और हनुमान को साथ लेकर आपके साथ लंका चलूंगा और आपको आपका राज्य वापस दिलवाऊंगा। निकुंभ ने स्वयं ही आमंत्रण दिया है अपनी मृत्यु को, लंका में आकर, लंका में आकर, लंका में आकर। लंका राक्षसों की थी और सदैव रहेगी। राक्षसों का संहारक राम हमारा शत्रु है, उसकी अधीनता हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? कभी नहीं। रक्षवीरों, मैं महाबली कुंभकर्ण का पुत्र निकुंभ आपका, समस्त राक्षसों का खोया हुआ गौरव वापस लाऊंगा, किंतु ये तभी संभव होगा जब आप सब मेरा साथ देंगे। बोलिए, देंगे मेरा साथ? हाँ हाँ, हमें राम स्वीकार नहीं, राम हमारा शत्रु है, उसकी दास्ता हम नहीं करेंगे। बलवान है, महान है, बलवान किसी के अधीन नहीं रहते। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि फिर से हमारा समय आएगा, पूरी धरती पर हमारा राज होगा, तीनों लोकों पर रक्ष परचम लहराएगा, तीनों लोकों पर आकाश में हमारा ही सूर्य उगेगा। बोलो, किसका सूर्य होगा आकाश पर? किसका सूर्य होगा आकाश पर? ये क्या अकस्मात ये अंधकार? अब कौन आ गया यहाँ? ये तो वही वानर है, इसी ने लंका जलाई थी। हनुमान, हनुमान।
संकट की स्थिति में यदि बल कार्य ना करे तो बुद्धि का प्रयोग कर उस संकट को टाला जा सकता है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.